ये बात नहीं है सर, आपने मुझे फ्लोर दिया है। इसके बाद कर लेगा जी, इसके बाद जी। जी शाह साहब, शाह साहब प्लीज, शाह उत्परेश साहब, शाह उत्परेश साहब कर लेना बात, आप कर लेना बात बाद में, आप मेरे बात कर लीजिए बात, इसके बाद आप मेरे बात बात कर लीजिए। जनाब स्पीकर बात कर लीजिए, इसके बाद आप कर लेंगे, इसके बाद मैं देता हूं जी, इसके बाद बिल्कुल मैं देता हूं, इसके बाद जी, इसके बाद जी जी प्लीज जनाब स्पीकर, इसके बाद जी। ये रवैया, रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए, किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना, कहां चले गए? आपने आप बैठे हैं, अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है, बिलावल साहब को खास मैं भी छेड़ दूं, कुछ रिवायात की मैं करना चाहता हूं, वो बात करके चले कहां गए? तशरीफ ले आए, मैं दावत करता हूं, आए आ जाए मैं कहता हूं बिलावल साहब आ जाए, एड्रेस में आए ना, आ जाए यहां आके बात सुने, आपने जवाब की है, आपने बात की है सर, मैं बात करना चाह रहा हूं ना, आप मुझे मौका दे रहे हो ना, आप मुझसे हाउस ऑफ ऑर्डर करें तो बात करूंगा। जी जी नहीं, आप मुझे तरीका ना समझाए, बस आप प्लीज बात करें, इसके बाद मैं दूंगा जी, इसके बाद बात करें जी प्लीज। जनाब स्पीकर मैं दे रहा हूं ना जनाब, उसको दे रहा हूं ना, ये तो आप नहीं है क्या मुझे इस तरह डिक्टेट करें उस सर से, प्लीज आप उधर पेश, प्लीज बात करें जी। जनाब स्पीकर प्लीज, जनाब स्पीकर अभी थोड़ी देर पहले यार, इसके बाद दे रहा हूं ना, इस तरह मुझे डिक्टेट ना करो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और उसके बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। अपॉर्चुनिटी देनी है ना जी प्लीज। जनाबे वाला, मैं उनकी गुफ्तगू सुनकर आपको मौका मिल जाएगा, बात कर लीजिए। एक सेकेंड जनाब स्पीकर, जनाब एक सेकेंड ठहरे जनाब स्पीकर, एक मिनट जवाब दे रहा हूं यार, सुन लो जनाब स्पीकर, इन्होंने सुन ले, इन्होंने अपनी बात पर कायम नहीं रहना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये मौका लेना चाहते हैं तो दे दे, मैं फिर भी जवाब दूंगा, दे दे इनको मौका, मैं जवाब दूंगा, दे दे मौका। नहीं सही है, दे मौका जी। असद महमूद साहब जी, بسم الله الرحمن الرحيم نحمد